हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर के ऊपर वीडियो नंबर थर्ड, और इस वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है 3 to 4 मार्क्स में, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस, बाकी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम लोग ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ ऐसा भी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि आपको जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को बनाने की बात होगी, और साथ ही साथ उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा का पेमेंट करना है इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि अकाउंट्स में हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अकाउंट्स में हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा ही हम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि जितना भी सम आएगा वो आप इजीली कवर अप कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70, और इस क्वेश्चन में कुछ बेसिक्स रिगार्डिंग डेथ ऑफ द पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। चलिए तो क्वेश्चन को पहले कवर अप करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ब्राउन एंड स्मिथ आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द अकाउंट बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। यानी कि ये लोग जनवरी टू दिसंबर का सेशन फॉलो करते हैं, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपको दिसंबर बोल रहा है यानी कि वो तो जनवरी टू दिसंबर का हो गया, पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसके रिगार्डिंग तो आप क्या एज्यूम करेंगे, अप्रैल टू मार्च एज्यूम करेंगे। द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलोस, ब्राउन 1/4, 1/2, स्मिथ 1/3 एंड 1/6 जो पैसा है वो जनरल लेजर में ये लोग ट्रांसफर कर देता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर ब्राउन का 1/2 है और स्मिथ का 1/3 है ना, तो ये जो अभी फिलहाल जो ब्राउन एंड स्मिथ के रिलेशन की बात करें तो ये 1/2 एंड 1/3 है। जनरल रिजर्व में जो 1/6 शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो जब कब होता है, जब प्रॉफिट होती है। फिलहाल अभी जो भी कैलकुलेशन होगा और वो होगा ब्राउन एंड स्मिथ के बीच के रिलेशन के रेशियो के हिसाब से, यानी कि आपको जो रिजर्व जो दे रहा है 1/6, फिलहाल उसको इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउन एंड स्मिथ के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, एंड ब्राउन एंड स्मिथ का जो भी रेशियो है वो है 1/2, 1/3, तो इसके हिसाब से हम लोग रेशियो कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है, तो 3/3 कर देते हैं और इधर 2/2 कर देते हैं, तो फाइनली हो जाएगा 2/6 एंड 3/6, यानी कि आपका जो रेशियो है ब्राउन एंड स्मिथ के बीच में वो हो जाएगा 3:2। रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ऑन द इवेंट दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू, किसी का भी डेथ होता है तो एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा, कैपिटल जो बैलेंस शीट में है, तो अगर नहीं भी बोलता तो वो देते हैं। हिज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व, रिजर्व अगर है तो वो भी दे देंगे, जाहिर सी बात है, नहीं भी बोलता तो भी देते हैं। तो ये सब कहीं ना क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए कर रहा है, मगर कुछ इसका कंक्लूजन नहीं। हिज जैसे कि अगर कैपिटल नहीं बोलता तो क्या कैपिटल का हिस्सा नहीं देते उसको, ऑब्वियस सी बात है, ये तो लॉजिकल बात है कि हम लोग देंगे ही देंगे। हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कहने का मतलब इंटेरिम प्रॉफिट, टू द डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 completed years, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इसको देना है। चलिए भाई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट 3 preceding years, और गुडविल की बात करें, गुडविल की हिस्सा की बात करें तो हिज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 preceding years, पिछले 3 सालों में जितना भी प्रॉफिट मिला है वो। अब देखते हैं कि इन लोग के पास क्या क्या है। 31 दिसंबर 2017 को इन लोग के पास, ब्राउन के पास कैपिटल है 9000 का, स्मिथ का कैपिटल है 6000 का, रिजर्व है 3000 का, क्रेडिटर है बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट है और कैश है।
द प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर वन, आपको 3 सालों का प्रॉफिट दे रहा है, 3 सालों का प्रॉफिट कितना है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले चलो गुडविल का हिसाब करते हैं, किसके शेयर का गुडविल, जो मर रहा है, देखते हैं अभी तक पता नहीं चला कि किसका डेथ हुआ, आगे पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर वन 2015 का 4200, 2016 का 3900 एंड 2017 का 4500। स्मिथ डाइड ऑन 1 मई 2018, 1 मई को मरा, यानी कि वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना काम करके मरा, यानी कि इसको 4 महीने का इंटेरिंग प्रॉफिट हम लोग पे करेंगे। अकाउंट्स एज बिटवीन द फर्म एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर्स ऑन मई 1, है ना, आपको क्या बनाना है, स्मिथ का कैपिटल अकाउंट बनाना है यहां पर, और कितना उसके एग्जीक्यूटर को पे करना पड़ेगा ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मोर और लेस आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया। अब बात करें गुडविल की, तो स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल, स्मिथ, चलिए इसको यहां पर नहीं, थोड़ा सा फ्रेश जगह बनाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल, स्मिथ का शेयर की बात करें तो स्मिथ का शेयर है कैसे, है कितना वैसे, तो सबसे पहले तो 3 साल का गुडविल निकालने के लिए क्या बोल रहा है, गुडविल निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल की अगर बात करें तो आप जैसा कि क्वेश्चन में देख पाओगे गुडविल के लिए बोल रहा है आपको प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर, पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ, तो पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट की बात करें तो 4200, 3900 एंड 4500, है ना, 4200, 3900 प्लस 4500, तो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो आ जाएगा प्लस 4200, 12,000 12,600, है ना, 12,600। अब स्मिथ की शेयर की बात करें तो स्मिथ का शेयर है 2/5, देखिए क्योंकि रेशियो अभी हम लोग कैलकुलेट किए 3:2, जिसमें स्मिथ का क्या है 2, तो 2/5 हो जाएगा, यानी कि स्मिथ का शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, 5040, ये स्मिथ का शेयर ऑफ गुडविल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे इंटेरिम प्रॉफिट, इंटेरिम प्रॉफिट, तो इंटेरिम प्रॉफिट की बात करें तो इंटेरिम प्रॉफिट के लिए आपको क्या कह रहा है, देखिए हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर, एवरेज प्रॉफिट आपको पहले निकालना है। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है तीनों साल का सम कितना है 12,600 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा 4200 रुपीस। अब स्मिथ शेयर इन प्रॉफिट की बात करें तो एक बार में हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये बताइए कि 4200 जो है वो 1 साल का प्रॉफिट है ना, हमको कितने महीने का प्रॉफिट निकालना है, 4 महीने का, क्योंकि स्मिथ जो है 1 मई को मरा है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी टू दिसंबर का सेशन है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके आप कैलकुलेट कर लोगे, प्लस स्मिथ का हिस्सा कितना है 2/5, है ना, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि स्मिथ का शेयर कितना होने वाला है, इंटू 4 × 2 डिवाइडेड बाई 60, 560 रुपीज, 560 रुपीज, ये आपका इंटेरिम प्रॉफिट हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग स्मिथ का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ताकि ये पता चल जाए हम लोगों को कि आखिर एग्जीक्यूटर को देना कितना है, स्मिथ कैपिटल अकाउंट, है ना, क्रेडिट और ये डेबिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जो इसका कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी, और ये आपको क्वेश्चन में ये डाटा पता है, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल है 6,000 रुपीज,
चलिए 6,000 रुपीज ही हो गया। फिर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जिन इन लोग रिजर्व भी बना के रखा, रिजर्व भी मेंटेन करके रखा, और रिजर्व कितना है तो रिजर्व जो है वो 3,000 रुपीज है। तो 3,000 को 3:2 में अगर बांटेंगे रिजर्व को, तो स्मिथ का शेयर आएगा 3,000 / 5 × 2, 1,200 रुपीज। कितना हो गया 1,200 रुपीज बाई इंटेरिम प्रॉफिट। इंटेरिम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सॉरी इंटेरिम प्रॉफिट हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं P&L सस्पेंस। इंटेरिम प्रॉफिट के लिए टर्म जो है वो क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना आया है, आप अगर कैलकुलेट करें तो इंटेरिम प्रॉफिट 560 आया, तो 560 रुपीज। बात करें गुडविल की, तो गुडविल कौन देगा, ब्राउन देगा, तो ब्राउन का कैपिटल को डाउन करेंगे तो ब्राउन के कैपिटल से आएगा ब्राउन कैपिटल, और आप ब्रैकेट में चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुडविल, है ना, गुडविल लिख सकते हैं। कितना आया था 5040, गुडविल का हिस्सा कितना है 5040। ये फाइनली आपका अमाउंट हो गया, और भी आई डोंट थिंक कि और भी कुछ इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। तो 6000 कैपिटल प्लस 1200 प्लस 560 प्लस 5040, टोटल एग्जीक्यूटर की बात करें तो 12,800 रुपीज आ रहा है। देखते हैं क्या ऐसा सॉल्यूशन में है, यस यू कैन सी कि आप एग्जीक्यूटर का अमाउंट कितना दे रहा है 12,800। तो फाइनली अब इसको बारी आता है क्लोज करने का, तो क्लोज कैसे करेंगे, है ना, अब इसको क्लोज हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए अगर पार्टनर का डेथ होता, रिटायरमेंट होता, तब तो स्मिथ लोन अकाउंट बना देते, है ना, आप यहाँ पर बैलेंस किए तो 12,800 रुपये आ रहा है। अगर स्मिथ का रिटायरमेंट होता तो ये सारा का सारा अमाउंट लोन में कन्वर्ट कर देते, चूंकि स्मिथ का डेथ हो चुका है तो ये पैसा स्मिथ को नहीं, स्मिथ के एग्जीक्यूटर को मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मिथ एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। ये फाइनली आपका स्मिथ का कैपिटल अकाउंट भी बन गया, और एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है ये भी हम लोगों को पता चल गया। चलिए अगर क्वेश्चन में कुछ बोल देता कि पेमेंट कितना करना है कितना करना है, तो उस तरीके से हिसाब से हम लोग भी काम कर सकते थे, बट वैसा कुछ पेमेंट करने के लिए जैसे होता है ना कि स्मिथ कैपिटल स्मिथ को कुछ पैसा पे कर देना है, तो वैसा कुछ इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया तो फिर हम लोग को उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, है ना। कुछ एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ पाए। ये थोड़ा आगे हो गया, सेवेंटी थ्री क्वेश्चन लेते हैं, 73 नंबर है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा, ए बी सी तीन पार्टनर है ए बी और सी विद द रेशियो हु आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ए बी और सी पार्टनर है, 2:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन लोगों के पास बैलेंस शीट में, इन लोग का देखिए जो बैलेंस शीट जो प्रिपेयर हो रहा है वो 31 मार्च 2017 को हो रहा है, यानी कि ये लोग अप्रैल टू मार्च का सेशन फॉलो करता है। क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, कैपिटल है, गुडविल है, तो गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स स्टॉक डेटर एंड कैसेट बैंक। आगे क्या कह रहा है, बी डाइड ऑन जून 2015, यानी कि अप्रैल, वो कितना महीना काम किया, अप्रैल मई और जून का आधा महीना, है ना, जून का 15 जून को डेथ हुआ है तो जून तो हाफ काम किया, यानी कि टोटल अगर बात करें तो ये 2.5 मंथ का काम किया है, 2.5 मंथ का वर्क किया और उसके बाद इसका डेथ हुआ। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही एग्जीक्यूटर इज इंटाइटल टू बैलेंस इन कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट को तिगुना कर देंगे तो शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा, और फिर उसमें जो जिस पार्टनर का डेथ हुआ बी का उसके हिस्से का गुडविल निकाल देंगे। शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि 2.5 महीने का जो प्रॉफिट है वो निकालना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 12% के हिसाब से है, देना है कोई बात नहीं दे देंगे, मगर आप ध्यान में रखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बी को मिलेगा वो सिर्फ 2.5 महीने का मिलेगा, क्योंकि पिछले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बना होगा वो उसको मिल चुका होगा। अब जो 2.5 महीने का देना है बस उतना, जितना 2.5 महीना रहा है वो उतने का ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, 4 सालों का प्रॉफिट कितना है, 15,000, 17,000, 19,000 और 13,000। चलिए, बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी पेड अमाउंट ड्यू, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तुरंत का तुरंत पेमेंट करना है, एंड ए एंड सी कंटिन्यू पार्टनर बाय टेकिंग ओवर बीज शेयर इक्वली। ए जो है कंटिन्यू, बी के मरने के बाद ए और सी जो है पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू किया और बी का हिस्सा ए और सी दोनों ले लिया, किस रेशियो में, इक्वली। तो यहां पर बताइए बी का हिस्सा अगर ए और सी इक्वली ले रहा तो गेन कौन कर रहा, दोनों पार्टनर गेन कर रहा, ए और सी किस रेशियो में, इक्वली शेयर गेन कर रहा है ना, यानी कि गुडविल का पैसा, गुडविल का पैसा ये लोग क्या करेगा, दोनों मिलके पे करेगा। वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपको बोल रहा है कैलकुलेट करिए कि बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना देना, यानी कि फाइनली आपको बी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंटेरिम प्रॉफिट और गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए आपको पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आपको निकालना है, 1, 2, 3 एंड 4, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट कितना दे रहा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 15,000, 17,000, 19,000 एंड 13,000, ये आपका 4 साल का प्रॉफिट दे रहा है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल, तो फर्म का गुडविल का अगर कैलकुलेट करें तो पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालो भाई, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो 15,000 प्लस 17, 19 एंड 13,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट फाइनली आया 64,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 16,000। अब गुडविल की बात करें तो गुडविल की बात करें, फर्म गुडविल की बात करें तो 3 ईयर परचेज था, तो 16,000 इंटू 3 अगर करते हैं 48,000, कितना हो जाएगा 48,000, है ना। चलिए अब बात करें बीज शेयर ऑफ गुडविल, बीज शेयर इन गुडविल, बी का शेयर कितना होगा, तो बी का शेयर की बात करें तो 48,000 फर्म का गुडविल है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, यानी कि बी का जो हिस्सा है 2/5, तो 48,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अगर 5 करते हैं तो 19,200 रुपीस, ये आपका आ गया बी के शेयर का गुडविल। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करना है इंटेरिम प्रॉफिट, तो इंटेरिम प्रॉफिट की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ इंटेरिम प्रॉफिट है ना। चलिए तो इंटेरिम प्रॉफिट की बात करें तो आपको पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के अनुसार आपको निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर जो हम लोग निकाल चुके ऑलरेडी कितना है, 16,000 है ना, 16,000 के हिसाब से आपको पे करना है। अब ये बताइए बी का डेथ हुआ है तो बीज शेयर इन प्रॉफिट 4, 2.5 मंथ, तो 16,000 जो है वो तो 1 साल में कमाया है, तो 2.5 महीने का अगर निकाले तो 2.5/12 करना पड़ेगा, और बी का हिस्सा की बात करें तो बी का हिस्सा है 2/5, तो फाइनली 16,000 इंटू 2.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 60, तो आपका आ रहा है 1333,
ये आपका अमाउंट आ रहा है, यानी कि इंटेरिम प्रॉफिट ये हो गया आपका, यानी कि गुडविल है आपका 19,200 एंड इंटेरिम प्रॉफिट है 1,333 रुपीज। अब इसके अनुसार हम लोग क्या निकाल लेंगे, फर्म का आखिर फर्म को कितना पे करना है बी के एग्जीक्यूटर को, तो 20 कैपिटल अकाउंट। अब हम लोगों ने देखना है बैलेंस शीट के मदद के हिसाब से कि इनके पास पहले और क्या क्या था। तो सबसे पहले तो बैलेंस सीडी आप लिख दोगे, जो आपका कैपिटल है, बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, और बैलेंस इन कैपिटल अमाउंट कितना है, ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, सॉरी। देखिए रिजर्व फंड में 25,000 रुपया है, कैपिटल की बात करें तो भी 25,000 है, और गुडविल का पैसा जो राइट ऑफ करना वो 3,000 रुपया। तीनों एक बार कर लेते हैं, आपका रिजर्व का भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल 25,000 रुपये, रिजर्व का पैसा 25,000 रुपये है, तो 25,000 का 2/5 बी का हिस्सा जो है वो हो जाएगा 10,000 रुपीज। फिर अगर हम लोग बात करें गुडविल की, तो टू गुडविल जो है ये बैलेंस शीट वाला गुडविल, तो राइट ऑफ करना पड़ेगा 30,000 इंटू 2/5 12,000 रुपीज, है ना। गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल का हिस्सा कितना हो जाएगा 12,000। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंटेरिम प्रॉफिट की, तो इंटेरिम प्रॉफिट के लिए लिखेंगे पी एंड एल सस्पेंस, एंड पी एंड एल सस्पेंस में कितना हो जाएगा 1,333। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है, अच्छा एक चीज आप यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए अभी क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटेरिम प्रॉफिट को लेके मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा, है ना। इंटेरिम प्रॉफिट को लेके मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंटेरिम प्रॉफिट में आपको बताए थे कि जब ए बी और सी तीन पार्टनर है और बी का डेथ हो रहा है, तो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, तब ये जो भी पैसा इंटेरिम प्रॉफिट मिलेगा वो चल जाएगा पी एंड एल सस्पेंस बोलकर हम लोग लिख देंगे। पर अगर ए बी के जाने के बाद ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इस केस में ए और सी दोनों इंटेरिम प्रॉफिट का भी पैसा, इंटेरिम प्रॉफिट का पैसा प्लस गुडविल का पैसा दोनों देगा, और किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इंटेरिम प्रॉफिट की बात करें तो अगर बी के जाने के बाद ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो पी एंड एल सस्पेंस बोल के लिख देते हैं। पर अगर बी के मरने के बाद ए और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो उस केस में गुडविल का भी पैसा और इंटेरिम प्रॉफिट का दोनों पैसा कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा, गेनिंग रेशियो। अब जैसा कि आपको पता है कि बी का जो हिस्सा है वो ए और सी को मिल गया है, और किस रेशियो में मिला है, 1:1 में, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की बात करें, तो आप इंटेरिम प्रॉफिट के लिए पी एंड एल सस्पेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, पी एंड एल सस्पेंस वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्या, एज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, बाय एज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। तो 3,333 को 1:1 में बांटते हैं, तो एक बंदे को बियर करना पड़ेगा, पॉइंट को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो एक बंदे को 667 और एक बंदे को 666 हो जाएगा, है ना। एक रुपए का कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं सर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो गुडविल की बात करते हैं, तो गुडविल के लिए भी एज का कैपिटल ये हो जाएगा फॉर इंटेरिम प्रॉफिट, इंटेरिम प्रॉफिट, और ये भी क्या हो जाएगा, इंटेरिम प्रॉफिट। आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। और ये जो है ये क्या है, बैलेंस शीट का गुडविल के लिए, तो गुडविल रिटेन ऑफ आप इस तरीके से लिख देंगे तो बेटर रहेगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बंदे को नॉलेज है। नेक्स्ट एज गुडविल की बात करें, ए ये इंटेरिम फर्म का गुडविल के लिए ना, तो फॉर फर्म गुडविल, फर्म के गुडविल के लिए, तो आप देखिए फर्म का गुडविल का कैलकुलेशन कितना किए, फर्म का गुडविल का कैलकुलेशन किए 19,200, तो 19,200 रुपए को दोनों को इक्वली बांटेगा, तो
9600 एक बंदा देगा और बाई सीस कैपिटल 9600 इस तरीके से चलेगा। एक चीज और अभी छूटा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आपको पता है 25,000 रुपए के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना था। कितना पे करना था? सॉरी ये कहाँ चला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना था? 12%। कितना है? 12% है। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 25,000 रुपया बंदे ने लगाया है, 12% के हिसाब से मात्र 2.5 महीने का हमको इंटरेस्ट देना है। तो 25,000 का 2.5%, सॉरी 25,000 का 12% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 अगर करते हैं तो 625 रुपये। कितना रहा? 625 रुपये। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को, और बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 625 रुपया। अब हम लोग को बैलेंस करेंगे और पता चल जाएगा कि आखिर बी के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा पे करना है। तो 25,000, 10,000, 1333 प्लस 9600 प्लस 9600 प्लस 625 आपका आ जाएगा, टोटल इधर आ रहा है 56,000, 56,158 है ना। और इधर बात करें माइनस अगर 12,000 करेंगे तो बैलेंस जो आएगा वो आएगा 44,158। देखते हैं 44,158 आपका सॉल्यूशन में भी है आगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, आपको बाखूबी याद है, बीस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और इस तरीके से अकाउंट आपका क्लोज, और आपको फाइनली पता चल गया कि एग्जीक्यूटर को कितना देना है, 44,148 रुपीज़ पे करना है। एक बार ऐसा करता हूँ, मैं ये जो कैलकुलेशन है वो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ताकि आपको मे भी थोड़ा और क्लियरिटी है। देखिए बी के कैपिटल के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि गुडविल का पैसा कितना है 19,200, और इंटेरिम प्रॉफिट का पैसा है 13,333 रुपये, 1333 रुपये, 1333, 1,333 रुपीज। तो कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं 25,000, रिजर्व में जो भी पैसा था वो बांट दिए 10,000। अच्छा इंटेरिम प्रॉफिट की बात करें तो इंटेरिम प्रॉफिट की बात करें, चूंकि प्रॉफिट सेलिंग रेशियो यहाँ पर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा है वो गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देगा। तो गेनिंग पार्टनर ए और सी दोनों हैं और इक्वल प्रॉफिट सेलिंग गेनिंग रेशियो है, तो एक बंदा 667 और एक बंदा 666 दिया, यानी कि 1333 को इक्वली बांट दिया। फिर गुडविल की बात करें तो 19,200 रुपया गुडविल का पैसा था वो भी गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देता, तो 9600 एंड 9600, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन बोला था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। बैलेंस शीट में गुडविल था तो गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते, तो गुडविल को राइट ऑफ कर दिए, फाइनली आपका इतना अमाउंट बच गया जो कि आपके एग्जीक्यूटर को पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे आगे कि आखिर किस तरीके से और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मल्टीपल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ग्रैप्स कर पाए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, है ना। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।